शहर को कैसे चलाना है इसके इसकी क्वालिफिकेशन तो है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। उस इंडियन पुलिस सर्विस के आदमी को पता होना चाहिए कि पुलिस कैसे काम करेगी, किस तरह का, ये उसको ज्ञान है क्योंकि उसको एक्सपर्टीज दी गई है, लिहाजा वो ये जानता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कब क्या करना चाहिए, पुलिस को कब गोली चलानी चाहिए, पुलिस को नहीं चलानी चाहिए, एक टटपूंजिया सा नेता तय करता है, ना जिसका कोई बैकग्राउंड है, ना उसकी कोई एक्सपर्टीज है, ना वो ये जानता है। उसको सिर्फ इस बात में स्वार्थ है कि कैसे गोली चलाओ, और गोली चलाने से दो कुठारी बंधु मार दिए जाएंगे तो उसके इंपैक्ट में कुछ लोग खुश होंगे और खुश होकर मेरी सत्ता मजबूत होगी। तो वो सत्ता में बैठने के लिए आया है, ना राज्य को मजबूत करना चाहता है, ना राष्ट्र के तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशन है उन्हें मजबूत करना चाहता है, और राष्ट्र उसकी कल्पना से बाहर है क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आए ही नहीं है। इसलिए चंबल के लोग भी संसद में पहुंच जाते हैं, डॉन माफिया भी पहुंच जाते हैं। हमने 70 साल में व्यवस्था ऐसी बना दी है, लेकिन जब किसी चीज की बहुत अति हो जाती है तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। ये वही देश है, वही लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को, उसको 5 सीटें, इसको 20 सीटें, इसको 40 सीटें, 2 सीटें, तमाम हर पार्टी बार्गेनिंग कर रही है। जिसके 10 MP हैं उसको लगता है कि मेरे बगैर सरकार नहीं मिलेगी, तो उसने कहा कि मुझे रेलवे मंत्रालय दो, क्योंकि रेलवे मंत्रालय का बजट अलग होता है, उसमें करोड़ों के घोटाले किए जा सकते हैं। तो स्वराज की मजबूरियां ये हैं कि उसने राष्ट्र को चलाने वाली जो रेल है, जो राष्ट्र को जोड़ती है, उसने ऐसे हाथों में दे दिया जिसका इंटरेस्ट रेल चलाने में नहीं है, रेल के माध्यम से मिलने वाले करोड़ों के बजट को खाने, उड़ाने और अपने लोगों के बीच बांटने में है। ऐसे ही 70 सालों में हुआ। एक लंबे समय तक हजारों करोड़ों राष्ट्रभक्तों ने जो इस राष्ट्र के लिए जान देते रहे, चाहे वो उसकी कल्पना 1925 में किसी ने की हो, और वहां से चल के लोग अपना काम करते रहे। और एक ऐसा समय आया कि जब आपके चारों तरफ घोर अंधेरा था तो आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई कि आपने ना अपने आप को यादव समझा, ना ब्राह्मण समझा, ना ठाकुर समझा, ना वैश्य समझा, ना दलित समझा, ना अपर कास्ट, ना लोअर कास्ट, ना ओबीसी। ये तमाम जिन फंदों में आपको फंसाया गया था पिछले 1000 साल से, और 47 के बाद हमारे देश में बड़े बड़े शुरूड मक्कार मुनाफिक जिन्होंने ये सोच के इस देश का इतिहास लिखा, इस देश का साहित्य लिखा कि कैसे यहां की आने वाली नस्लें, कभी जो ये राष्ट्र दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर था, इस राष्ट्र का जो तंत्र था वो इतना मजबूत था कि इसे दुनिया में कहीं कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और विश्व की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत का 33% का GDP था। हमारा जो उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो 33% था। तो हमने अज्ञानता के चलते, स्वार्थ के चलते, इस ऐसे राष्ट्र को जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का वाहक हो, एक ऐसा धर्म जो प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ पैदा हुआ हो, जब से यह सृष्टि है तब से है, हमने उन सब चीजों को छोड़ करके हमने छोटी 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 दुकानों को ही अपना भाग्य मान लिया और अपना भविष्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ, एक पीढ़ी लंबे 70 साल के काल में कई पीढ़ियां निकल गई, शायद उनमें वो पीड़ा रही होगी, लेकिन व्यवस्था और सत्ता के तंत्र में वो इस तरीके से फंसे कि शायद उनमें वो लड़ने की शक्ति नहीं थी, या शायद वो ये चाहते थे कि हमें और आपको पढ़ाई से, लिखाई से, संस्कारों से ऐसा मजबूत कर दें कि आने वाली चुनौती को हम समझें, और जो काम वो नहीं कर पाए उन मुद्दों को
समाज में उठाएं और बात करें सरकारों को, बात करें इस देश की व्यवस्था को कि यह व्यवस्था भारत राष्ट्र के लिए बनी है, भारत राष्ट्र इस व्यवस्था के लिए नहीं बना है। लिहाजा कानून हो, संविधान हो, संसद हो, न्यायपालिका हो, ये पुलिस हो, ये सेना हो, ये भारत राष्ट्र के लिए बनी है, भारत राष्ट्र इनके लिए नहीं बनाए कि हमें इन्हें पालना है, हमें इनकी तनख्वाह देनी है, हमें इनको बड़े बड़े घर देने हैं और ये कानून बनाए, ये गोली चलाएं, ये कानून व्यवस्था को कैसे बनाए। ना, कानून व्यवस्था बनाने का तरीका भी भारत राष्ट्र की परंपराओं और संस्कृति के हिसाब से होगा। इसलिए हजारों ऐसे कानून हैं क्योंकि वो हमारी जो जीवन है, जो हमारी आस्था है, जो हमारी उपासना है, उससे मेल नहीं खाती। इसलिए कानून कुछ कहता है और समाज कुछ कहता है। कानून क्या कहता है कि आप अपनी सगी बहन के साथ किसी से जा रहे हो। अब इसको आप जरा गौर करके देख समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहां पर क्लेश है, या ये जानबूझकर राज सत्ता ने हमें ऐसा बनाया है, या फिर ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से इस देश में हजारों आईपीसी कानून ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे थे, क्योंकि जो राज करने वाले थे उनका यहां के राष्ट्र में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें अपनी सत्ता को स्थापित करना था, लिहाजा उन्होंने बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई कि यहां के आदमियों को, यहां के लोगों को, यहां के पुरुषों को, यहां के जनमानस को कैसे उस सत्ता और राज के अंदर जकड़ लिया जाए, ताकि वो अपने होने, अपनी पहचान, अपनी आस्थाओं, अपनी उपासना, इन तमाम सारी चीजों से कट जाए और वो ये समझे कि हमें राज के प्रति ही वफादार रहना है और राज जो कर रहा है उसे सिर्फ बर्दाश्त करना है, उसका प्रतिकार नहीं करना। इसलिए अगर आप कल अपनी बहन के साथ कहीं जा रहे हो और ये घटनाएं पिछले कई सालों से लगातार हो रही हैं, मैं अक्सर बड़े बड़े कई पुलिस वाले हैं, मैं उनसे पूछता हूं, बोले ये कानून हमने नहीं बनाए, हमारी मजबूरी है, ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहे हैं और अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों के हित में नहीं सोचा। अब उस लड़की के साथ मेरे सामने, जो मेरी बहन भी है, कुछ चार पांच गुंडे मिलके आए, उसको छेड़े और उसके साथ रेप करते हैं। मैं शारीरिक रूप से उन चार लोगों का शायद मुकाबला करने में सक्षम नहीं होऊंगा। तो अगर ऐसा होगा तो मेरे पास दो रास्ते हैं कि मुझे जो कुछ मुमकिन हो उनका प्रतिकार करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, हथियार से करना चाहिए, दंड जो भी कुछ मेरे हाथ में है उससे करना चाहिए, यह मेरी मनोदशा होगी और शायद यही समाज कहता है। लेकिन आपका कानून क्या कहता है, जिस कानून के बारे में कहा जाता है कि इस कानून पे चलें, यह कानून के विरुद्ध अपने काम किया है, लेकिन यह तो मुझे बताओ कि यह कानून मेरे लिए बना है या मैं इस कानून के लिए बना हूं। कानून यह कहता है कि आपको अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। अगर यह घटना घट भी रही थी तो जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वाला आपसे पहले पूछेगा कब हुआ, कैसे हुआ, वो कौन लोग थे, उनका नाम बताइए। ना उनको आपको उनका नाम पता है, ना उनका पता पता है। तो अगर ये दोनों चीज नहीं है तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। वो कहेगा सर हम किसके खिलाफ एफआईआर लिखें, तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो आपकी बहन के साथ जब ये बुरा काम हो रहा था तो आपको उस वक्त प्रतिकार नहीं करना चाहिए था, पत्थर उठा के नहीं मारना चाहिए था, उन चारों बलात्कारियों के नाम और पते पूछने चाहिए थे। तो हम
और जब यह घटना समाज के लोगों में रखी जाती है तो समाज कहता है कि तुम्हें मौके पे उसको मार देना चाहिए था, अगर तुम मार सकते थे तो मार देना चाहिए था, लेकिन कानून कहता है कि नहीं 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 नहीं, आपको रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी, आप रिपोर्ट लिखाइए, पता बताइए, पहचान बताइए, आपकी जो मनोदशा है, आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं उसका उनसे कोई सरोकार नहीं है, आपके परिवार में आपकी बहन के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है उसकी कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, आप अस्त व्यस्त हैं, आपका पूरा मन मस्तिष्क एक अजीब किस्म के झंझावार में फंसा हुआ है, लेकिन उसके बात करने का अंदाज ऐसा है जैसे आप थाने के अंदर किसी दावत के लिए गए हैं, कंप्लेन लिखाने नहीं गए। वो आपसे पानी को भी नहीं पूछेगा, वो आपसे सिंपैथी की बात नहीं करेगा, और उस लड़की जो आपके साथ में है उसको भी इस निगाह से देखेगा जैसे शायद इसी का कसूर था। तो राज और राष्ट्र की परंपराओं और राष्ट्र की आस्थाओं में ये टकराव है।